सिरप। चल 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 ऊपर जाम ऊपर जाम। तो उसका जो फ्लो जो होता है बोलने का वो बिल्कुल साउंड। सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत से कमेंट भी मैंने पढ़े हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि सर शाम को कौन सी एक्सरसाइज करें। तो इतने दिन का शेड्यूल अलग था, लेकिन अब से जो है मंडे से जो शाम का जो एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वही शाम को बच्चे फॉलो करेंगे और सुबह आपको शायद वीडियो भी मिल जाएगा अगर बनाया तो। और आपको मैं बताता हूँ कि शाम को आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। देखो यार, एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए रनिंग करना, क्योंकि पहला और आखिरी उद्देश्य अपना यही होना चाहिए। रंग रूट जब बनोगे आप आर्मी में रनिंग के बाद में, तब आपको बहुत मौके मिलेंगे जहाँ आपको बहुत भयंकर तरीके से तोड़ा जाएगा इंडियन आर्मी में, जब आपको एक जवान बनाया जाएगा तब। लेकिन अभी फ़िलहाल अपन ने कहते हैं एक राजस्थानी में कहावत है कि भैंस का पूंछ नहीं पकड़ा। तो भैंस का पूंछ पकड़ने का मतलब है कि आर्मी की पूंछ तो पकड़ो, बाकी चीज़ें बाद की बात है। तो सबसे पहले रहती है अपनी 1600 मीटर। तो सुबह जो है रनिंग का जो शेड्यूल है वो भी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा कि रनिंग का क्या शेड्यूल रहता है। अब बात रही शाम की, तो आज शाम को जो मंडे को एक्सरसाइज होने वाली है वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप बैठिए और आराम से देखिए वो चीज़ें। और रनिंग से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कुछ अभी बैच स्टार्ट हुआ है, मैंने आज मॉर्निंग में टाइम देखा, कुछ बच्चों का 7.5-8 मिनट तक टाइम आ रहा है। लेकिन उसके लिए चाहिए हिम्मत, चाहिए कि हाँ मुझे अपनी रेस सुधारनी है, तब जाके ही रेस सुधरती है। अगर हमने पहले ही ठान रखा है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो रेस आपकी घंटा ही नहीं सुधरेगी। सबसे पहले सबसे बड़ी बात है दिल में अरमान जगाओ कि हाँ मुझे अपनी रेस सुधारनी है। दूसरे को मत देखो यार कि वो देख कितना फास्ट दौड़ रहा है, यार उसने बंदे ने 3 महीने मेहनत की है। आप आज नए आए हो तो सीधा ही 7.5 से 5 मिनट तो आपका आएगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और शाम का जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मंडे को आप शाम को ये एक्सरसाइज कर सकते हो। चल 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 ऊपर जाम ऊपर जाम। पैरों को पूरा चलने दे, रुक मत रुक मत रुक मत। ओए लास्ट में पूरा जंप कर। पूरा ऊपर पूरा ऊपर। चलो पूरा उठा पूरा उठा पूरा उठा। इन लास्ट वालों के फटका मारो खींच के। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओए एडी मट्टी का सिर्फ पंजा। स्पीड में और बढ़ाओ मादरचोद, इतनी स्पीड थोड़ी है तुम्हारी, और तेज करो। शाबाश शाबाश शाबाश। और पीछे और स्पीड में सीधा शूट मारो, गो वहां तक। चल 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 चल। शाबाश 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 शाबाश। निकलो, वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश 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 शाबाश। के उसको भी रोटेट घुमाना है 10 बार, समझ में आ गई? चल रे चल 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 चल। ओए पैर घुमा। शाबाश शाबाश कंटिन्यू। शाबाश शाबाश शाबाश। हो गया।
शाबाश शाबाश शाबाश, चल रहे हो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। शाबाश शाबाश शाबाश, अब सेम पोजीशन पे यही रखना है और अपने जुराब जहां पहन रखे हैं वहां से पैरों को पकड़ना है। सीधा पैरों को पकड़ो, ओए पैर पकड़ो और मुंडी घुटनों की तरफ लेके जाओ, घुटनों में टच करने की कोशिश करो। टच होने के बाद वापस खड़े हो जाओ, वापस हाथ घुमाओ, वापस पकड़ो और वापस टिकाओ। शाबाश कंटिन्यू, वापस मुंडी घुटनों में लेके जाओ। यहाँ पर जो पैर रखने के लिए जगह है वो थोड़ी छोटी है, ये लगभग अपने पैर की जो हाइट है उसके बराबर होनी चाहिए और वहाँ पे हमें पैर रख के नीचे झुकते वक्त सांस छोड़ना है और वापस ऊपर आते वक्त जो है सांस अपन को गहराई से लेना है। चल रहे, चल चल चल, ओए कंटिन्यू। खोपड़ी टिकाने की कोशिश करो और एक पैर पे करने के बाद दूसरा पैर, पैर चेंज कर लो। शाबाश, दूसरा पैर चेंज कर लो। तो दोस्तों ये सारी एक्सरसाइज आप वन बाय वन करने के बाद में जो है आपको पैर मारने हैं, क्योंकि पैर नहीं मारोगे तो कहीं नस में खिंचाव आया तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। आपको अच्छे से पैर मारने हैं, उसके बाद में यहाँ से पकड़ना है इसको और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाने की कोशिश करनी है। और उसके बाद में आप नॉर्मली जैसे आप आराम से बैठे हो, टाइम है आपके पास, तो आप जो बटरफ्लाई है वो आप पकड़ के पैर रखिए। यहाँ से कोहनी ऐसे रखोगे तो दिक्कत होगी, ऐसे सीधी रखनी है और पैरों को, ये पजामा थोड़ा टाइट है, पैर पूरे आपके जो है नीचे तक जाने चाहिए। और लास्ट में जब आप बैठते हो आराम से तो इस प्रकार पैरों को रखें थोड़ी देर, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से यहाँ दर्द होने वाला है आपको और खिंचाव भी आएगा, यहाँ पे दर्द रहेगा लेकिन ये ग्राउंड का दर्द मान के आप इसे इग्नोर करो तो बहुत बढ़िया होगा। शांत आपको बैठना है, आप ओम उच्चारण कर सकते हो, ओम उच्चारण से आपको दिक्कत है तो आप सारे गामा पाधा निसा ये जो है आप पूरा यूज कर सकते हो। और आपको इसको लेना किस प्रकार है, जैसे आपने सांस अंदर ली डीपली तो उसका जो फ्लो जो होता है बोलने का वो बिल्कुल साउंड लॉन्ग होना चाहिए। जैसे ओम उच्चारण मैं आपको करके बताता हूँ, मतलब लंबे लंबे सांस लोगे आप तो जो आपकी जो सांस की जो समस्या है वो दूर होगी। और लास्ट में एक एंजॉय के लिए आप इसमें झूला भी झूल सकते हो, बैठे ऐसे और झूला झूल सकते हो, ये तो एक मजाक की बात थी। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। आप ख्याली पुलाव जो रात को सोते वक्त देखते हो वो बंद कर दो। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो किसी और भाई की मदद करने के लिए शेयर जरूर करें, लाइक करें। जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, भारत माता की जय। पैर मारो फटाफट, आवाज आनी चाहिए कानों तक, स्पीड में। बटरफ्लाई कोहनी सीधी रहनी चाहिए सबकी, कमर सीधी और पंखुड़ियां हिलनी चाहिए ढंग से। चल रहे, चल 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 चल। और लास्ट में ऐसे कैसे बैठे हो रहे ढाणी बना के। सांस अंदर रे, रे।